So, जैसा कि फेस्टिव सीजन आ गया है, एक ही बार में आपके बाल सिल्की स्मूथ शाइनी हो जाए, फ्रीजी ना रहे, कैरेटिन ट्रीटमेंट हम घर पे कर पाए, अगर आप ये देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं बिंदु, आप देख रहे हैं बिंदु नेचुरल वर्ल्ड। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कैरेटिन ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम 2-3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। डेमो के साथ एप्लीकेशन दिखाऊंगी, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई गई ये रेमेडी है और साथ ही साथ फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको रिजल्ट्स देगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, जिसमें कि मैं 4 विनर्स अनाउंस करूंगी, 4 गिव अवे के विनर्स, जिसमें कि 1000 के आसपास आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे वीडियो को जरूर चेक करें। और बिंदु नेचुरल वर्ल्ड शॉर्ट्स, जिसमें कि आपको रेमेडी शॉर्ट में मिलेगी 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स में, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बिंदु नेचुरल वर्ल्ड इंग्लिश को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। So, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए बिंदु नेचुरल वर्ल्ड को, आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए घंटी को दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे राइस वाटर की। राइस वाटर आपने सुना होगा आपके बालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, आपके बालों को सिल्की स्मूथ शाइनी बनाता है। लेकिन मैंने जितनी बार भी राइस वाटर यूज किया है, मुझे उसके रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। एंड मैंने बहुत सारी रिसर्च की और ये पाया कि राइस वाटर एक्चुअली में बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। और जो यूज करने का तरीका है वो हमको पता ही नहीं होता, इसीलिए हम गलत तरीके से उसको यूज करते हैं, तो हमारे बालों में या तो ड्राइनेस हो जाती है या फ्रिजीनेस हो जाती है। सो राइस वाटर बहुत ज्यादा अच्छा होता है आपके हेयर के लिए। सो इस कैरेटिन ट्रीटमेंट में हम इंक्लूड करेंगे राइस को, राइस वाटर को, फ्लैक्स सीड्स को और एक दो और इंग्रेडिएंट्स को। तो चलिए रेमेडी को देख लेते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट्स दिखा देती हूँ कि इसको लगाने के बाद आपके रिजल्ट्स क्या रहेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट एप्लीकेशन में आपके सिल्की स्मूथ शाइनी हेयर हो जाएंगे। इसमें आपने इस मास्क को लगाना है बालों को धोने से पहले। अगर आपके बालों में हेयर ऑयल लगा है तो आप उसके ऊपर भी ये मास्क को लगा सकते हैं। और मास्क को लगाइए, इवनली अपने पूरे बालों पे लगाइए और इसको छोड़ दीजिए 30-40 मिनट्स के लिए। उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश करना है और फिर यूज करना है हमने शैम्पू। तो चलिए पहले रेमेडी देखेंगे, उसके बाद शैम्पू किस तरीके से करना है, उसके बाद हमने कंडीशनर यूज करना है। 3 स्टेप्स फॉलो करके आपका कैरेटिन ट्रीटमेंट जो है वो घर पे ही हो जाएगा। सो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने लेना है यहाँ पे मेथी दाने, फैनुगिक सीड्स। यहाँ पे कुछ फैनुगिक सीड्स मैंने ली है 1-2 चम्मच के जितने, जो कि मैंने पानी में सोक करने के लिए डाल दी है। सो फ्रेंड्स, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आपने फैनुगिक सीड्स डाल देनी है। उसके बाद मैंने यूज किया है यहाँ पे अलसी, जिसको हम फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। फ्लैक्स सीड्स भी मैंने 1-2 चम्मच की जितनी ली है और इसी पानी के अंदर डाल दी है। 3rd इंग्रेडिएंट मैंने लिया है यहाँ पे राइस, लिया है 1 चम्मच की जितना, थोड़ी सी क्वांटिटी इससे कम ली है मैंने और इसको भी मैंने पानी में डाल दिया है। इसको आपने कम से कम 24 घंटे के लिए भिगो के रखना है। जितना ज्यादा भिगोएंगे ये बहुत ज्यादा फूल जाता है, अच्छा बन जाता है। और इसमें अलसी डाली है, अगर आप इसको 48 आवर्स के लिए भी भिगो के रखते हैं तब भी ये हार्म नहीं करेगा, बल्कि अच्छे से फूल जाएगा और ये जो पानी है ये ऑटोमेटिकली आपके जेल के जैसे कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट एनी बॉइल। सो इसको मैंने रखा था 36 आवर्स के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, क्योंकि इसको हमें ब्लेंड करना है, एंड चाहे तो 48 आवर्स भी रख सकते हैं। इसको आप अर्ली मॉर्निंग देखेंगे तो ये काफी ज्यादा अच्छे से फूल जाती है। इसका पानी मैंने अलग कर लिया है और उसके बाद मैंने इसको छान लिया है। छानने के बाद थोड़ा सा पानी इसका यूज करके मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। नाउ इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है आपकी हेयर पे लगाने के लायक हो जाए। सो अगर आपको ये थिक लग रही है कंसिस्टेंसी, तो आप इसी में थोड़ा सा पानी जो हमने स्ट्रेन किया है वो यूज कर सकते हैं। बाकी जो पानी हमारा ग्लास में बच गया है, इसको मैं 2nd स्टेप में दिखाऊंगी कि किस तरह से यूज करना है। सो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हमने इसमें डालना है राइस वाटर का ऑयल। जी हाँ, चावल के पानी से बना हुआ तेल, जो कि सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री है, ऑल हेयर टाइप्स के लिए है, आपके ड्राई फ्रिजी हेयर को सिल्की स्मूथ बनाने के लिए, साथ ही साथ आपके स्कैल्प में नरिशमेंट देने के लिए ये ऑयल को यूज किया जाता है। तो 1 चम्मच जितना मैंने ऑयल डाला है, तो एक्चुअली देख लेते हैं इस ऑयल में क्या खास बात है। तो फ्रेंड्स, ये है मामा अर्थ का राइस हेयर ऑयल, जो कि राइस ब्रैन एंड कोकोनट ऑयल से बना हुआ है और मिनरल ऑयल, सिल्कन
से फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ऑल हेयर टाइप्स के लिए है, 150 ml की बॉटल है, मिक्सचर है ये बहुत सारे ऑयल्स का, राइस ब्रेन ऑयल, सीसम ऑयल, ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, होबा ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, विटामिन ई, IFRA सर्टिफाइड एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस है, साथ ही साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपके स्प्लिट एंड्स को रिड्यूस करता है, स्ट्रेंथन करता है, रूट्स को, हेयर ब्रेकेज को कम करता है, क्रुएल्टी फ्री है, वेगन है, साथ ही साथ प्लास्टिक पॉजिटिव है, जितना ये प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा ये रिसाइकिल करते हैं। 399 rupees का ये बॉटल है और ये आपको डिस्काउंट पे भी मिल जाएगा, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अपने हेयर के ऊपर लगा लीजिए। 30 to 35 minutes या 40 minutes के लिए इसको रख सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश करिए और फिर हमने यूज करना है शैम्पू। शैम्पू भी हम यूज करेंगे राइस वाटर से बना हुआ शैम्पू एंड देन सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री शैम्पू जो कि आपके बालों को नरिशमेंट के साथ साथ शाइनी भी करता है। राइस वाटर की गुडनेस है जो कि आपके बालों के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। सो आपने इस पानी में शैम्पू को डालना है, 1 to 2 chamach की जितना शैम्पू डालना, आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट शैम्पू है ये, इसके अंदर डाल दीजिए, इसको अच्छे से मिक्स करिए और मास्क को रिमूव करने के बाद इस शैम्पू से आप वॉश कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या खास बात है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे है मामा अर्थ का राइस वाटर शैम्पू जो कि राइस वाटर और कैरेटिन से बनाया गया है। हमारे बालों में अगर कैरेटिन से बने हुए शैम्पू को यूज़ करते हैं तो हमारे बाल और भी ज़्यादा सिल्की एंड शाइनी हो जाते हैं। पैराबेन फ्री है, SLS फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ऑल हेयर टाइप्स के लिए है, 250 ml का ये बॉटल है, स्पिटेंस को रिड्यूस करेगा, हेयर ब्रेकेज को कम करेगा, सिल्की स्मूथ एंड शाइनी हेयर देगा। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इसके जो हैं काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं। इसमें हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन है, वीट प्रोटीन है, राइस वाटर है और बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। 349 rupees का ये पैक है, 250 ml का एंड देन 2 years की वैलिडिटी है, क्रुएल्टी फ्री, वेगन है, प्लास्टिक पॉजिटिव है, सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री, ऑल हेयर टाइप्स के लिए है। नाउ अगर आपने कैरेटिन ट्रीटमेंट जैसा रिजल्ट अपने घर पे लेना है तो आप कंडीशनर को भी जरूर यूज करिएगा। काफी ज्यादा रिजल्ट तो आपको इस रेमेडी से मिल जाएगा, ऑयल से मिल जाएगा एंड देन शैम्पू से भी मिल जाएगा। कंडीशनर लगाएंगे तो आपके जो हेयर है बहुत ही ज्यादा सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम कंडीशनर भी यूज करेंगे, राइस वाटर का कंडीशनर जो कि मामा अर्थ का, और इसमें भी नो सल्फेट नो पैराबिन है। चलिए देख लेते हैं इस कंडीशनर में क्या खास बात है। यह है मामा अर्थ का राइस वाटर कंडीशनर जो कि राइस वाटर एंड कैरेटिन से बनाया गया है, सेम एज शैम्पू, पैराबिन फ्री, सिलिकॉन फ्री, ऑल हेयर टाइप्स के लिए है, क्रुएल्टी फ्री है। साथ ही साथ इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी आपके सिल्की शाइनी स्मूथ हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं। हमारे बाल कैरेटिन से बने होते हैं, कैरेटिन वाले इंग्रेडिएंट को यूज़ करके अगर हम कोई भी शैम्पू कंडीशनर यूज़ करते हैं तो काफ़ी यूजफुल होता है आपके हेयर के लिए। इसमें आलमंड ऑयल है, वीट प्रोटीन है, साथ ही साथ कोलेजन भी है और स्वीट आलमंड ऑयल, बहुत सारी ऐसी अच्छे अच्छे ऑयल्स का ब्लेंड है जो कि आपके बालों को डीपली पेनिट्रेट करके नरिशमेंट देता है। 2 years की वैलिडिटी है, 349 rupees का है। सारे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स हार्मफुल केमिकल से रहित होते हैं, नेचुरल होते हैं। ये अवेलेबल है मामा अर्थ, अमेजन, नाइका एंड पर्पल पे, और बिंदु 2021 कोड यूज करेंगे तो मामा अर्थ की साइट पे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दे प्लांट। सो रिसेंटली फ्रेंड्स मामा अर्थ ने अपनी ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च की है जो कि iOS एंड एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म्स के लिए है। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएंगे। इस ऐप को जल्दी से यूज करिएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स पाने के लिए। शैम्पू करने के बाद आपने कंडीशनर लगाना है, 2 to 3 minutes के लिए छोड़ना है और उसके बाद आपने पानी से रिंस कर देना है। रिजल्ट आपके सामने है, सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री हैं, रेमेडीज नेचुरल हैं। एक बार इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके देखिएगा, फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।